Hey bro, army, welcome back to my channel. तो आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि हमें अलग करना पसंद So, बहुत दिन का बाद आज को एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो होगा लास्ट तक देखना आज का प्रोडक्ट है मामाअर्थ का नियन हेयर सीरम सो मामाअर्थ का ये हेयर सीरम आपको यानी बायोटिन देखना होगा उसके बाद ये फॉर स्ट्रॉन्ग एंड फ्रीजी हेयर के लिए बट इसका एक खास बात है कि आपका हेयर को वॉल्यूम बहुत जल्दी देता है क्योंकि ये मैं दो दिन से यूज़ कर रहा हूँ एंड दो दिन से मेरा हेयर बहुत वॉल्यूम हो रहा है एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर वॉल्यूम अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो ये मैं रिकमेंड जरूर करता हूँ तो आप अगर आपको अगर वॉल्यूम चाहिए तो यू कैन गो फॉर इट ओके तो मामाअर्थ बोलता है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है केमिकल ऑब्वियसली है केमिकल से बनता है बट इसमें बोलता है कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है बट मुझे एक दिखा आपका ये सोडियम लैक्टेट तो ये सोडियम लैक्टेट आपका हेयर के लिए तो हार्मफुल है ही बट आपका बॉडी के लिए भी बहुत हार्म है तो मुझे सिर्फ यही इसका दिखा कि आपका अंदर सोडियम है बहुत खराब है आपके लिए पर आपका चेस्ट पेन कैंसर इससे कैंसर भी हो सकते हैं बट मुझे नहीं लगता कि इतना छोटा प्रोडक्ट से कुछ हो रेगुलर यूज़ करोगे तो थोड़ा सा हार्मफुल है एक खास बात भी है कि ये IFRS सर्टिफाइड एल्गोरन फ्री फ्रेगनेंस से बनता है स्मेल में भी अच्छा है एंड ऑर्गेनिक होता है मुझे इसका फ्रेगनेंस तो अच्छा लगा तो इसका स्मेल आपको पतंजलि जैसा तो नहीं लगेगा बट मामाअर्थ दावा करता है कि ये ऑर्गेनिक है तो इसका स्मेल ऑर्गेनिक का जैसे बहुत अच्छा है क्योंकि ये फ्री फ्रेगनेंस है तो आई लाइक इस फ्रेगनेंस ओके आर्मी तो मैं अभी इसे दिखाऊंगा आप इसे यूज़ कैसे करते हैं एंड कब करना चाहिए कब नहीं तो चलो सो अभी पहले अपना हेयर्स धो लेना जैसे मैंने अपने वॉश कर लिए तो इसे वॉश जरूर कर लेना एक बार और ड्राई कर लेना ठीक है ओके तो सेकेंड है उसका कैप कैप खोलना जरूरी है मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल ओके सेकेंड स्टेप क्या गुंडा बनेगा रे तू फोकस हो जा इसके मैंने कितने लिए तीन ड्रॉप्स ले लिए ओके तीन ड्रॉप्स लेके थोड़ा पीछे एंड थोड़ा आगे दोनों तरफ ही लगा लेना ओके अच्छा से रब करना उसके बाद मेरा हेयर में तो क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं और थोड़ा लूँगा तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे लगाना है क्या है कैसे नहीं एंड सेकेंड बार आ गया है इसे कब लगाना है तो इससे आपको लगाना है रात को सोने से पहले लगा लेना और सुबह को उठ के वॉश कर देना क्योंकि ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपको हेयर्स में प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है बाद में जाके प्रॉब्लम होगा आपको आपने अगर वॉश नहीं किया सुबह उठ के तो आपको प्रॉब्लम होगा अभी नहीं बाद में होगा तो सुबह उठ के वॉश जरूर कर लेना एक बार
शैम्पू और विदाउट शैम्पू उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिना शैम्पू का भी कर सकते हैं और विद शैम्पू भी कर सकते हैं। सो मामाअर्थ का सबसे अच्छा बात मुझे यही लगा कि आप इसे हर बार जब भी बाय करिए तो मामाअर्थ एक प्लान ग्रो करते हैं, कहाँ मुझे भी नहीं, बट ये लोग दावा करते हैं कि ये लोग एक प्लान, आप जो एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो उसके लिए एक वो लोग लगाते हैं, तो वही उस इन लोग का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो आई सपोर्ट देम। सो मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैंने दो दिन यूज़ किए, दो दिन का रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है। सो मुझे लगता है कि आपका अगर हेयर्स में वॉल्यूम कम है तो ऐसे यूज़ कर जरूर करना चाहिए, रात को कीजिए सुबह को धो दीजिए, वही बात। बट इसका फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आई वुड से ये वॉट है। इसे खरीदना वॉट है। बहुत दिन से रिव्यू का वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि टाइम मिल रहा था, बट अभी प्रोडक्ट है, टाइम है, तो बना लूँगा कभी जब मन करे। आप लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। हम लोग के सब्सक्राइबर 485 हो चुका है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। मैंने सोचा नहीं था 485 कभी होगा, बट अभी हम लोग 485 में हैं। सो यू आर मी यू, थैंक यू। जो भी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाल वाला बटन को दबा देना, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। तो वही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाओ एंड कमेंट तो कर दोगे, जरूर करना। कमेंट से एंगेजमेंट बढ़ेगी, मैंने पहले वीडियो भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, कमेंट जरूर करना। सो आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, स्टे पीस।